जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद नज़दीक है तो रियाल का रेट भी ठीक है। मैंने बोला चलो चेंज करवा लेते हैं, मैं आपको दिखा दूँ कितने हैं। ठीक है, 1000 रियाल, 1000 रियाल मज़ीद चेंज करवाते हैं। और वैसे ये ग्रीन कपड़ा मैंने लगवाया, सेन में देख लें जी आप। और ये पूरा सेटअप है इसका, इसके मतलब भी आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो मैंने गाड़ी ली हुई थी वो है, तो बाबा की बागी 1000 रियाल चेंज करवाते हैं, कितने बनते हैं, फिर आपको बाज़ार में जो भी रेट वगैरह मिलेगा उस हिसाब से आपको बताता हूँ मैं जी। अभी आगे जा रहा हूँ मैं, इधर एजेंट हैं, एक और दो एजेंट और हैं, तो पूछता हूँ रेट अच्छा होता है इनका, देखते हैं जिस किसी के पास अच्छा लगा उसको देंगे जी। तो अभी फाइनल हो चुके हैं जी, ये देख लें मेरे पास। अच्छा, मैंने 100 रियाल वाली जो नोटों की गद्दी होती है ना वो लिया साथ में, वो इसलिए लिया चलो ईद आ रही, मैंने बोला कि ईद के ऊपर काम आ जाएगी बाकी। अच्छा जी, रेट इस वक्त मुझे जो मिला है वो 75 रुपये 60 पैसे मिला है। ठीक है, 75 रुपये 60 पैसे जी रेट है इस वक्त पाकिस्तान में। वैसे 75 रुपये 20 पैसे 30 पैसे आम चल रहा है, तो 75-60 मिला है, मेरा आना जाना लगा रहता है। दूसरा एजेंट को अच्छा ढूंढे आप जिस किसी भी शहर में हैं, तो इस वक्त भाई पाकिस्तान में रेट डाउन है। डाउन से मुराद ये है कि हालांकि मेरा अंदाज़ा ये था कि ये 76 रुपये प्लस में होना चाहिए था, इतना हम जानते पा मैंने। तो बहरहाल जी, बात ये है कि अभी चलो मैंने आपको बता दिया जो भी सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो रेट है वो आपको बता दिया है। मज़ीद आपने इसके मतलब कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सअप में मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, आप व्हाट्सअप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी नोटों की झलक, 100 वाली गड्डी में नए नए नोट अच्छे लगते हैं इनके ऊपर खास।